इक्वेशन पीएस वाइज काउंटिंग, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं आप पहला ऑप्शन देख सकते हैं पीएस वाइज ईवीएम वोट्स, ये काउंटिंग के दिन आरओ या आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट के लॉगिन में अवेलेबल होगा। अभी मैं आरओ के लॉगिन यूज आरओ का लॉगिन यूज कर रहा हूं, तो यू कैन सी फर्स्ट ऑप्शन इज पीएस वाइज ईवीएम वोट्स, जैसा कि हमने 1 to 7 जो है आरओ को अलॉट किया था, तो हम इसमें 1 to 7 तक की टेबल की एंट्री कर सकते हैं। मोहाली बंद एकदम माइक स्वाति थैंक यू सॉरी सर जैसे ही हम पीएस वाइज एंट्री पीएस वाइज ईवीएम वोट्स एंट्री पे क्लिक करेंगे एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। हियर यू कैन सी टोटल नंबर ऑफ राउंड शेड्यूल्ड, जितने भी राउंड हमने शेड्यूल किए हैं दैट इज 31 अभी आपको विजिबल होगा। कितने नंबर ऑफ टेबल्स हैं हमारे काउंटिंग सेंटर पे, जो इस पर्टिकुलर लॉगिन को असाइन है उसका काउंट अभी फिलहाल हम किस राउंड में है वो, और टोटल नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन जो उस पर्टिकुलर एसी में अवेलेबल है। जस्ट उसके नीचे आप देख सकते हैं कि जो भी करंट स्टेटस होगा आपकी काउंटिंग का, कितने राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं, कितने टेबल उस पर्टिकुलर राउंड में किए हैं, प्लस जितने भी असाइन टेबल हैं उसमें से कितनी कंप्लीट हो गई हैं, या अभी फिलहाल किस टेबल की एंट्री कर रहे हैं, प्लस टोटल नंबर ऑफ पीएस जिस पे अभी नल वैल्यू अवेलेबल है, मतलब कि कितने अभी पोलिंग स्टेशन 421 में से ऐसे हैं जिस पे अभी कोई भी काउंटिंग या जीरो असाइन है। सो आई जस्ट आस्क टू मेक एंट्री फॉर द फर्स्ट टेबल, हम यहाँ टेबल नंबर चूज करेंगे, टेबल नंबर पे टेबल नंबर 1 पे जो भी पोलिंग स्टेशन की एंट्री या जिस भी पोलिंग स्टेशन की आपको एंट्री करनी है आप उस पोलिंग स्टेशन को चूज करेंगे, चूज करते ही आप उसका नाम वेरीफाई कर पाएंगे राइट हैंड साइड पे। उसके बाद आप जो भी ईवीएम वोट्स रिट्रीव हुए हैं उस पर्टिकुलर ईवीएम से आप उसकी एंट्री कर देंगे। अगर हमने टेबल असिस्टेंट को साइन कर दिए इन केस अगर वो उसका कोई प्रॉब्लम आ गई लॉगिन में तो वो टेबल बाईपास हो सकते हैं आरओके सर अगर कंप्यूटर असिस्टेंट ने एक भी एंट्री नहीं की है ठीक है तो हम उसका असाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। अगर उसने एक भी एंट्री कर दी किसी भी टेबल के अगेंस्ट तो फिर उसके बाद हम उसका असाइनमेंट नहीं चेंज कर पाएंगे। मीनवाइज सर अगर उसके क्रेडेंशियल में प्रॉब्लम आती है तो आर उसको रीसेट कर सकता है, देयर इज एन ऑप्शन टू रीसेट पासवर्ड एंड पिन। ओके सर थैंक यू सर। ओके सो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इस पर्टिकुलर टेबल के अगेंस्ट सारे बोर्ड की एंट्री कर दी है, टेंडर बोर्ड 0 है, टोटल आपका बाय डिफॉल्ट नीचे आ गया है। आपको जो करना है सर प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करना है, जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करोगे जो भी आपने एंट्री की है उसका एक प्रीव्यू जनरेट होगा। एट द बॉटम आप देख सकते हैं डाउनलोड एंड प्रिंट का ऑप्शन है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका टीआरबी जनरेट होगा।
इसका आप प्रिंट आउट करेंगे लेंगे, ऊपर प्रीव्यू रहेगा, लिखा हुआ रहेगा, जस्ट आप इसको वेरीफाई कर लेंगे। एक बार जब आप इसको वेरीफाई कर लेंगे, आप वापस एनकोर में जाएंगे, वहां पे सबमिट का बटन है, आप उसको सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, इट विल आस्क फॉर वेरिफिकेशन, आपको ओके पे क्लिक करना होगा। ओके पे क्लिक करते ही उस पर्टिकुलर टेबल की एंट्री हो जाएगी। अब आप देख सकते हो कि टेबल नंबर 1 पे आपका टिक मार्क आने लगा, टिक मार्क ग्रीन हो जाता है, दैट मींस आपने उस पहले राउंड में टेबल नंबर 1 की एंट्री कर ली है। सो आई जस्ट आस्क माय कलीग टू मेक अ क्विक अपडेट ऑन टेबल नंबर 2। पीएस नंबर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ईवीएम वोट्स की एंट्री करेंगे। सो सेम टेबल नंबर 2 के लिए भी आप सेम प्रोसेस अपनाएंगे, प्रीव्यू करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू, जो भी टेबल में एंट्री की गई है कैंडिडेट्स के नेम के अगेंस्ट, आप उस वोट्स को वेरीफाई करेंगे, सबमिट, देन ओके। सो हियर यू कैन सी राउंड नंबर 1 में हमने 2 टेबल की एंट्री कर दी है। अब हम कंप्यूटर असिस्टेंट के लॉगिन में जाएंगे और हम देखेंगे कि जो हमने 8-14 टेबल अलॉट की है उस पर्टिकुलर कंप्यूटर असिस्टेंट को, सेम एनकोर लॉगिन में जाएंगे, ऑफिसर लॉगिन में, असेंबली इलेक्शन है, हम इलेक्शन टाइप सेलेक्ट करके जो यूजर आईडी आरओ ने कंप्यूटर असिस्टेंट को शेयर की होगी, सेम यूज करके उसे लॉगिन करना होगा। जैसे वो फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा, देयर वुड बी अ पॉपअप पिन सेटअप के लिए, अपडेट करेंगे। अब कंप्यूटर असिस्टेंट में आप देख सकते हो सिर्फ पीएस वाइज काउंटिंग का ऑप्शन अवेलेबल रहता है और कोई भी ऑप्शन उसके पास ना ही राउंड डिक्लेरेशन का, ना ही पोस्टल बैलेट वोट की एंट्री का अवेलेबल होगा।